का बिगुल बजने के बाद पब्लिक टीवी इंडिया की टीम आज फिर पहुंची है लाखड़ी फजलपुर, जहां पर रजनी देवी वार्ड 4 से अपनी दावेदारी कर रही हैं। अब जानना यह होगा कि क्षेत्र में इन्हें कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से इस क्षेत्र की जनता का सामना कर रही हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, जाकर क्या लोगों का रुझान है और कैसा प्यार मिल रहा है? अच्छा प्यार मिल रहा है सबका, सभी लोग मेरा साथ दें, मैं उनका साथ दूंगी। बिकॉज मतलब अपना मतलब गाँव के लिए मैं योजना मतलब योजना के लिए विकास करूंगी। अच्छा क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, क्या उम्मीद रहेंगी क्षेत्र की जनता तो के लिए? मैं बहुत कुछ मतलब विकास करना चाहती हूँ। अच्छा जो मतलब पब्लिक मेरा साथ देना चाहती है, तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ विकास। अच्छा मुरादाबाद की बात है, अब तक कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अभी तक तो कुछ विकास नहीं हुआ है। किस तरीके की प्रोग्रामिंग की है, क्या आगे करना चाहते हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ कुछ जनता के लिए। हम जानना चाहेंगे कुछ अहम समस्याएं क्या है। अच्छा लेकिन जैसे कि गाँव में रोड वगैरह बनवाने हैं, नाली कॉलोनी वगैरह, ये सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ विकास के लिए, जैसे कि गांव के लिए कि मतलब रोड जैसा रोड बनवाने हैं, सड़क बनवानी वो बनवाने हैं, गांव की कॉलोनी वगैरह ये वाई वगैरह गांव के अंदर तो लोग घुसते खनी मतलब ये कहें कि हाँ बाकी भी सफाई है। मतलब आप जनता के बीच जा रही है, लोगों से मिलने जा रही है, वोट की भी अपील की जा रही है, क्या लगता है मतलब किस तरह से प्यार मिल रहा है लोगों को, क्या रिएक्शन है? अभी तो वैसे प्यार थोड़ा यही है कि मतलब सबसे प्यार मोहब्बत से मिलके साथ दे मेरा, उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो ये थी हमारी पार्षद महोदय, जिन्होंने जनता पर भरोसा जताया है और आने वाला वक्त क्या कहता है और आने वाला ऊंट किस करवत बैठता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सभी लोग क्षेत्र में हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, मिलने के बाद ये वोटिंग वाले दिन ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा।